पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। ख्रिस्त प्यारे भाई बहनों, आज हम ख्रिस्त के पवित्रतम शरीर और रक्त का महोत्सव मनाते हैं। यह पर्व परम प्रसाद का पर्व है। यह पर्व हमें याद दिलाती है कि ख्रिस्त का पावन शरीर और रक्त हमारी आत्मा का आहार है। पवित्र मिसा बलिदान या यूक्रिस्टी समारोह के द्वारा ही हम ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त का पान करते हैं। पवित्र यूक्रिस्ट का बलिदान सभी बलिदानों में श्रेष्ठ है। पवित्र यूक्रिस्ट के संस्कार में ही अन्य संस्कारों को संपन्न किया जाता है। सातों संस्कारों में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ख्रिस्ती जीवन का शौर्य और उसकी शिखर है। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर को चार प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते थे। पहला शांति का बलिदान, इसके द्वारा ईश्वर की प्रभुता को स्वीकारते हुए उसकी पूजा आराधना की जाती थी। दूसरा धन्यवाद का बलिदान, इसके द्वारा ईश्वर से प्राप्त सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद दिया जाता था। तीसरा प्रायश्चित का बलिदान, इसके द्वारा ईश्वर से अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना किया जाता था। और चौथा याचना का बलिदान, इसके द्वारा ईश्वर से आशीष पाने के लिए प्रार्थना की जाती थी। क्रूस पर यीशु ख्रीस्ट का एकमात्र बलिदान पुराने व्यवस्थान के उन सारे बलिदानों का स्थान ले लिया है। प्रभु यीशु ख्रीस्ट का बलिदान पूर्ण बलिदान है, जो हमारे पापों को धोने और ईश्वर से आशीष पाने के लिए पर्याप्त है। यूक्रिस्त के बलिदान से बड़ा और कोई बलिदान नहीं है। यीशु ख्रीस्ट अपने जीवन के आखिरी समय में यूक्रिस्ट की स्थापना की और इसे अपने विदाई उपहार स्वरूप अपनी कलीसिया को दिया और कहा कि वे उसकी यादगारी में यह किया करें। यूक्रिस्ट समारोह वास्तव में यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की पुनरावृत्ति है। पवित्र यूक्रिस्त में यीशु सचमुच और वास्तविक रूप में विद्यमान है। जब भी हम पवित्र यूक्रिस्त समारोह में सहभागी होकर योग रीति से ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं तो हमें भरपूर आध्यात्मिक लाभ मिलता है। पहला कि पवित्र यूक्रिस्त हमें ख्रिस्त से जोड़ता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 57 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में और मैं उसमें निवास करता हूं। ख्रिस्त से यह पावन रिश्ता हमें स्वर्गिक आनंद की अनुभूति देता है। स्वर्ग में ईश्वर संग महिमामय जीवन का पूर्वाभास कराता है। हम विश्वासियों को पारस्परिक प्रेम और सेवा भाव के बंधन में बांध देता है। हम सब अलग अलग होते हुए भी यूक्रिस्त में ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण कर एक हो जाते हैं। ईश्वरी आनंद की अनुभूति हमें यह पवित्र यूक्रिस्त देता है। जिस तरह स्वादिष्ट भोजन खाकर हमें आनंद और संतुष्टि मिलती है, पवित्र यूक्रिस्त जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त है, स्वर्गिक भोजन है, इसे ग्रहण कर हम स्वर्गिक आनंद का अनुभव करते हैं। पवित्र यूक्रिस्त क्षमणीय पापों से हमें क्षमा दिलाती है और गंभीर पापों से बचने के लिए हमें सामर्थ्य और बल देती है। पवित्र यूक्रिस्त के द्वारा हमें पवित्र आत्मा के वरदानों को दिया जाता है। ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण कर हम पवित्र आत्मा के वरदान से परिपूर्ण हो जाते हैं। तीसरे यूक्रिस्त प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं, तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है, ऐसा वर दे क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। पवित्र यूक्रिस्त अमरता की दवाई है, जो हमें शारीरिक पुनरुत्थान का भरोसा दिलाती है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 वचन संख्या 54 में
यीशु ख्रीस्त कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। ख्रिस्त प्यारे भाई बहनों, हम ख्रिस्ती लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा ईश्वर अपने इकलौते पुत्र के शरीर और रक्त से पोषित करता है। आइए हम प्रार्थना करें कि वही ईश्वर हमें निरंतर अपने पुत्र के पावन शरीर और रक्त से पोषित करता रहे। आमीन।